नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र त्यौहार ईद उल फितर को लेकर राजधानी भोपाल के बाजार गुलजार है। शहर के चौक बाजार, इब्राहिमपुरा, बुधवारा, जहांगीराबाद, टीला, जमालपुरा के बाजारों में रंग बिरंगी रोशनी के बीच देर रात तक खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। संभवतः शुक्रवार को ईद का चांद नजर आता है तो शनिवार को राजधानी भोपाल सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। उससे पहले इब्राहिमपुरा में सड़क किनारे सजी टोपियों की दुकान और अफगानी साफे, परफ्यूम, इत्र इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रमजान में इस बार शहर की परफ्यूम दुकानों पर एक अलग ट्रेड देखने को मिल रहा है, जहां ऑनलाइन पे करने के बाद ग्राहक स्वयं ही डिस्पेंसर से परफ्यूम खरीद पा रहे हैं। दूसरी ओर बड़ी संख्या में महिलाएं भी बच्चों के साथ सूट, चूड़ी, चप्पल और अन्य 16 श्रृंगार के सामानों की खरीदारी करने में मशगूल है। ईद के पर्व पर परोसे जाने वाली सिवैयां, फैनी और परंपरागत पकवानों की खुशबू भी बाजारों में खूब महक रही है। ईद पर ओल्ड सिटी के सभी बाजारों में करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। इस बार अच्छा कारोबार होने से व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं। बताते चले कि भोपाल में एक महीने तक रमजान का अलग उत्साह देखने को मिलता है। पूरे महीने तक लोग रोजे रखकर इबादत में मशगूल रहते हैं और रात्रि के समय भोपाल के बाजार देर रात तक गुलजार रहते हैं। ईद नजदीक होने से इन बाजारों में अब चहल पहल ज्यादा बढ़ गई है। आलम यह है कि पिछले 2-3 दिनों से बाजारों में पैर रखने की भी जगह नहीं है। वहीं भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी गश्त बढ़ा दिया है। साथ ही शरारती तत्वों पर नजर रखे सिविल ड्रेस में भी पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।